We've seen different applications of agent-based modeling. We've seen AlphaRol model in particular. हमने देखा कि AlphaRol model एक ऐसा model है जो कि एक real world scenario से बना और उसको हमने extend करने का सोचा. Now the interesting thing about this is similar to cognitive agent-based computing framework, यानी exploratory agent-based model. यानी हम एक model बना लेते हैं, फिर gradually उसमें थोड़ी-थोड़ी complexity डालते हैं till the time हमारा model जो है real world से ज़्यादा match करता है. सो यहाँ पे अब हम इसकी पहली एक्सटेंशन इंट्रोड्यूस करने लगे हैं. यानी हम देखना चाहते हैं कि AlphaRol मॉडल में क्या वीकनेस है. पहली वीकनेस जो हमें नज़र आती है वो एजेंट्स हमें ऐसे लगते हैं जो कि अच्छे प्रिडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज एजेंट्स की डिफरेंट थी. क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कि बाकियों से बेहतर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है आने की. और इनर मॉडल में हमें ये बता रहे थे कितने एजेंट आते हैं, कितने बाहर में हैं, कितने जो हैं विजुअली बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे थे किस टाइप के एजेंट्स बेहतर फैसला करते हैं कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू सी. यानी अच्छे गुड टाइम्स के प्रिडिक्ट कौन से कर सकते हैं. इसको करने के लिए हमारी पहली जो एक्सप्लोरेटरी एजेंट बेस्ड मॉडलिंग है उसमें ये करेंगे कि हम ट्रैक करना पड़ेगा कौन से एजेंट्स बेहतर प्रिडिक्ट करते हैं. अब इसका क्या तरीका हो सकते हैं? उसका तरीका यह है कि हम हर एजेंट को एक प्रॉपर्टी दें, और प्रॉपर्टी जो डालेंगे उसका नाम हम डाल सकते हैं. उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डालते हैं, उसको कहते हैं रिवॉर्ड. रिवॉर्ड से हमें पता चलेगा कि वो रिवॉर्ड होगा अगर वो ऐसे टाइम पे बार में जाएगा जब वो क्राउडेड नहीं है. इस प्रॉपर्टी को हम इनिशियलाइज कर देंगे और वक्त के साथ से देखेंगे कि हमारे एजेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं. सो हियर इज़ द स्टार्ट. अगर आप इस कोड को देखें, टर्टल्स ओन्स इज़ द इंटरनल वेरिएबल्स. यहाँ पे जो मेन चीज़ हमने ऐड की है वो है रिवॉर्ड. बाकी चीज़ें ऑलरेडी मॉडल के अंदर एग्जिस्टिंग हैं. नाउ इस रिवॉर्ड को जब हम डाल देते हैं तो जिधर सेटअप होता है वहाँ पे क्रिएट करते हुए हम इस रिवॉर्ड को इनिशियलाइज भी करते हैं. सेट रिवॉर्ड टू ज़ीरो, यानी कुछ हमने इसको एक ज़ीरो दे दिया. शुरू में सारे जो हैं वो एक ही तरह से रिवॉर्ड करते हैं. नाउ इस रिवॉर्ड को सिर्फ डाल तो दिया, अब हमने अपडेट भी करना है. इसको करने के लिए हम क्राउडेड का कीवर्ड डिस्प्ले करेंगे अपने मॉडल के अंदर. यानी जब भी रिवॉर्ड अपडेट होगा, जब टर्टल अटेंड करेंगे और वो क्राउडेड नहीं है. ये करने के लिए ये देखें, आस टर्टल्स विद अटेंड सेट रिवॉर्ड रिवॉर्ड प्लस वन. लेकिन ये उस वक्त जब आपके पास इफ एल्स क्या हो रहा है, अटेंडेंस जो है वो ओवर क्राउडिंग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा नहीं है. अगर ओवर क्राउडिंग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो क्राउडेड डिस्प्ले हो जाएगा और रिवॉर्ड टर्टल्स को नहीं मिलेगा. सो दूसरी चीज़ हम देखने वाली है वो ये कि हम कलर के स्केल अप्लाई कर सकते हैं. ये हम कलर्स हल्का हल्का कलर चेंज कर सकते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि कोई ज़्यादा रेड है, कोई कम रेड है, कोई ज़्यादा ब्लू है, कोई कम ब्लू है. इसको स्केल कलर कहते हैं हम. इसको डार्केस्ट एजेंट वो होंगे जिनको कम रिवॉर्ड होगा, ब्राइटेस्ट वो होंगे जिनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा. सो इफ़ वी डू दैट, हमें एक छोटा सा वेरिएबल डाल देते हैं, सेट कलर स्केल कलर रेड रिवॉर्ड कौन सा, मैक्स रिवॉर्ड ऑफ टर्टल्स प्लस वन ज़ीरो. यानी हम इसको जब रन करते हैं तो आप देखें कि जो ब्लैक वाले हैं वो डार्केस्ट हैं और उनको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिला, यानी वो सबसे समझदार हैं. वाइट वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं. एंड वी कैन सी द स्ट्रेटजीज फॉर दिस एडल. सो वी सीन के माइनर चेंजेस के साथ एक्सप्लोरेटरी एजेंट बेस्ड मॉडलिंग हमें हेल्प करती है अपने मॉडल को अपडेट करने में, और उसके थ्रू हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हमें पहले नहीं पता थी.